नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मीडिया प्रभारी अफजल खान रीवा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि विंध्य क्षेत्र हेतु जीवनदायिनी के रूप में प्रतिष्ठित बाणसागर परियोजना का कार्य मध्य प्रदेश शासन के नियम और प्रावधान आचार संपादित किए जाने थे, परंतु आरोपी गढ़वी के त्रिपाठी बाणसागर परियोजना कार्य में शासन नियमों निर्दोष को अनदेखा कर अपने कर्तव्य के विपरीत श्री घटिया स्तर का गुणवत्ता विहीन कार्य, निर्माण सामग्री का स्टेशनरी की रेट लिस्ट निर्धारित न की, मनमोहिनी रूप से सामग्री की रेट अंकित कर सामग्री स्टेशनरी सप्लाई की जाकर भुगतान प्राप्त करना, वर्ष 2004-2008 के मध्य आरोपी बी के त्रिपाठी अन्य आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर शासन को भारी मात्रा में आर्थिक क्षति खरीद की गई है, ठीक है, दोनों फॉर्म के प्रोवाइडरों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। वहीं घोटाले के 40 आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय लोकायुक्त जिला रीवा द्वारा आरोप तय किया गया है। रीवा से संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। जो प्रकरण है 1978 में बाणसागर परियोजना के लिए जो राशि सैंक्शन हुई थी और 2006 में उक्त राशि 1250 करोड़ के आसपास हो गई थी, तो जो उसके अनुसरण में बाणसागर में निर्माण कार्य किए जाने थे उसी के संबंध में ये घोटाला हुआ है। उसी घोटाले के लिए जो FIR दर्ज की गई है तो 2008 में दर्ज की गई है और 2008 में FIR दर्ज करने के बाद जो है तो 2012 में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके पश्चात भी विवेचना जारी रही और 7 पूरक चालान प्रस्तुत किए गए। आरोपी गणों के विरुद्ध जो चालान प्रस्तुत किए गए थे तो एक मुख्य चालान और पूरक चालान मिला के जो है तो करीब करीब 46 आरोपी हो गए थे और कुछ आरोपियों का नाम दोबारा आया था जिस वजह से उनकी संख्या बढ़ गई थी और जब माननीय न्यायालय द्वारा आरोप लगाया गया तो 40 आरोपी हो गए। तो आरोपी गणों के विरुद्ध जो है तो IPC की धारा 420, 467, 68, 471 और PC एक्ट की धारा 12, 13(1), 13(2) के तहत आरोप विरचित हुआ है और न्यायालय द्वारा मेरे द्वारा ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा जो है तो 9 तारीख को साक्ष्य के लिए तारीख नियत की गई है। और जो मुख्य चालान है तो उनमें आरोपियों की संख्या जो है तो 20 थी और जब पूरक चालान प्रस्तुत किया गया तो पूरक चालान 1 में 20 आरोपी, पूरक चालान 2 में 10 आरोपी और पूरक चालान 3 में 9 आरोपी। क्या कैसे हुआ था? पूरक चालान में 13 आरोपी, पूरक चालान 5 में 18 और पूरक 6वें नंबर में 1 आरोपी और पूरक चालान 7 में जो है तो 1 आरोपी। न्यायालय ने आरोप तय किए हैं, इसमें आरोपी कौन है और कौन है? आरोपी इसमें 12 लोक सेवक हैं जिनके विरुद्ध चार्ज न्यायालय ने फ्रेम किए हैं और उसके बाद जो आरोपी बचते हैं तो वो प्राइवेट हैं, लोक सेवक नहीं है। उनमें से कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ जो हैं तो जिनसे सामग्री क्रय की गई है वो हैं। कुछ के दस्तावेज ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में कि कितना है, क्योंकि जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो और भी चीज़ें सामने आती है। जो प्राइमा फेसी स्पष्ट होता है तो 1250 करोड़ का। जांच कौन कर रहा था? इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कई थे, 10 थे करीब करीब, लेकिन जो ओवरऑल विवेचना की थी तो SS शुक्ला साहब ने की थी जो कि इस समय पुलिस उपाधीक्षक जबलपुर है, EOW। मैडम आरोपी जो है तो कुछ कार्यरत हैं, सबके रिटायर भी हो गए हैं? नहीं, कुछ कार्यरत हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं। जो कार्यरत हैं उनके विरुद्ध अभियोजन सैंक्शन हुआ है और उसके पश्चात जो है तो आरोप विचित हुआ है। मैम नाम बता दीजिए। नाम अंजू पांडे, विशेष लोक अभियोजक EOW, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीवा।